नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां गोमती नगर स्थित वाल्मीकि रंगशाला नाट्यकला केंद्र में पुस्तक लोकार्पण एवं पुस्तक परिचर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वार्षिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कई मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने वहां मौजूद सभी का मन मोह लिया। वहीं विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक रीता जैन भी कार्यक्रम में शामिल रही। इस दौरान उन्होंने हमारी संवाददाता से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। परिचय है कि मैं रीता जैन हूँ और एक विश्वत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ, जिसमें बच्चों लड़कियों को स्पेशली मैं उनको नारी सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। उनको 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है, जिसकी फीस वैसे तो 1,20,000 है, पर मात्र 15,000 में मैं उनको एक साल में 15,000 बिल्कुल मिनिमम जितना पैसा होता है उससे ही लेकर उन लोगों को 2 साल का फिजियोथेरेपी का कोर्स करवाती हूँ। और ये फिजियोथेरेपी का कोर्स ऑलमोस्ट मेडिकल का कोर्स है, क्योंकि इसमें 2 साल में पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड सब इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट कोर्स है, पर चूँकि मेरा अपना यही विश्वास है कि अगर प्यार से और डेडिकेशन से आप कोई काम करें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। जबकि मेरे पास जो बच्चियां आती हैं वो बहुत ही गरीब परिवार की होती हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो बच्चों को 5,000 रुपये भी दे दें, पर किसी तरीके से मैनेज करके मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ, उनका संपूर्ण विकास में पूरा योगदान देती हूँ। मेरी बुक है दर्शन से परोपकार की यात्रा। तो दर्शन, चूँकि मेरा बेटा समय ही मेरी ज़िंदगी से चला गया, तो मैं बहुत जब टूट गई तो मैंने दर्शन का सहारा लिया। और दर्शन से मुझे ये समझ में आया कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है, नियति कराती है काम और सबका टाइम अपना फिक्स होता है। तो वो इतने दिनों के लिए आया था तो मुझे ये दर्शन से ही समझ में आया। अदरवाइज़ उससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और बहुत ज़्यादा इसमें अपना मतलब हो चुकी थी, अपने को डुबो चुकी थी। पर जब बाद में समझ में आया तो फिर मैंने कहा कि अगर दर्शन समझ में आ गया तो ज़िंदगी का सार भी समझ में आ गया है। और ज़िंदगी का सार सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता है, वो दूसरों के लिए जीना होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।